हेलो एवरीवन, आपका आज हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं मिट्टी का भंडारा, जी हाँ, जिसे गुल्लक कहा जाता है, उसका ऐसा रीयूज जिसे देखकर आप उसे जरूर बनाना चाहेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमें चाहिए मिट्टी का भंडारा, क्ले, टूल्स, टेलकम, फेविकॉल, ब्रशेस, पेंट, एक हैमर जिससे कि हम इसमें छेद बनाएंगे। ये देखिए, मैंने किल्ली की सहायता से इसे इस तरह से हल्के हाथ से दबाते हुए इसमें छेद बनाया है। इसी तरह से मैं इस पे एक गोल आकार में बॉर्डर बना रही हूँ। देखिए आप बहुत ही सावधानी से इसे करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भंडारा टूट सकता है। देखिए इस तरह से हमने इसे कर लिया है। इसके बाद दोस्तों हम क्ले तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसे टेबल पे उंगलियों की सहायता से रोल कर लिया है। देखिए इस तरह से हम इसे रोल करते जा रहे हैं। अब मैं इसे फोल्ड करके ट्विस्ट कर रही हूँ। देखिए इस तरह से हमने इसे ट्विस्ट कर लिया है, और ये दोनों ट्विस्टिंग को हम कटा हुआ पार्ट है इसके ऊपर फेविकॉल की सहायता से लगा देंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसे लगा दिया है। बचे हुए क्ले को इस तरह से मैंने रोल कर दिया और उंगली की सहायता से दबा दिया है। देखिए इस तरह से अब मैं इस पे एक ब्रांच बना रही हूँ। देखिए पहले मेन ब्रांच बनाई और उसके साइड में हमने छोटी छोटी ब्रांचेस बना दी है, और मैं निडल की सहायता से इस पे लंबी लंबी लाइंस कर रही हूँ। ये जो आप पंचेस देख रहे हैं, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन पंचेस की सहायता से मैंने फ्लावर और लीव्स निकाल लिए हैं। अब मैंने इसे एक टेप रोल पे टिका दिया है, और ये जो फ्लावर्स और लीव आप देख रहे हैं, ये हम इन ब्रांचेस पे पेस्ट करेंगे। उससे पहले हम दो शेप बना रहे हैं। देखिए इस तरह से मैंने एक शेप बनाई है अंडे के आकार की, यानी कि ओवल शेप बनाई है। देखिए अब मैं इस तरह से इसके कान बना रही हूँ। आप शायद कुछ गैस कर पा रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सही गैस कर पा रहे हैं, हम दो आउल बना रहे हैं। अब ये देखिए दोस्तों, मैंने इसके विंग्स बना लिए हैं इस तरह से तिलक के आकार की शेप बना करके। हमने इसके आईज बना ली है, और एक ट्रेंगुलर आकार की इसकी हमने बीक बना दी है। और ये जो इसके पेट वाला पोर्शन है, वहाँ पे मैंने इसे गोल रोटी नुमा आकृति लगा करके फिंगर की सतह से पेस्ट कर दिया है। अभी जो आप पैन देख रहे हैं, पैन से हमने इसकी देखी किस तरह से आईज बनाई है, और इसी को हमने हाफ कट लेते हुए इसकी बॉडी बना दी है। निडल की सहायता से हम इसके पंख में कट लाइन्स बना रहे हैं, देखिए इस तरह से, और ईयर में भी हम इस तरह से लाइन बना देंगे। इसी तरह से हम दूसरा आउल भी रेडी कर देंगे। और ये जो भंडारे का ऊपर कट है, वहाँ पे हमने क्ले फिल कर दिया है, और इसे मैंने फेविकॉल की सहायता से अच्छी तरह से मर्ज कर लिया है। और यहाँ पे हमारा एक छोटा सा क्रैक आया था, जिसे भी हम फिल कर रहे हैं, देखिए इस तरह से क्ले और फेविकॉल की सहायता से। अब हम इस सर्किल के सराउंडिंग्स में सारी लीव्स और फ्लावर्स को पेस्ट कर देंगे कहीं कहीं दूरी पर। देखिए इस तरह से मैं फेविकॉल की सहायता से इन्हें पेस्ट कर रही हूँ। इसी तरह से हम सारी आकृतियों को भंडारे के ऊपर लगा देंगे। देखिए दोस्तों, सारी आकृतियाँ लग चुकी है। देखिए दोस्तों, अब ये पूरी तरह से सूख चुका है। इसके ऊपर हम सबसे पहले व्हाइट एक्रेलिक पेंट लगाएंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से व्हाइट एक्रेलिक पेंट लग चुका है, व्हाइट पेंट सूख चुका है। इसके बाद हम जो सेकंड लेयर लगा रहे हैं, देखिए दोस्तों, ये है गोल्डन येलो शेड, और ये है लेमन येलो शेड। गोल्डन येलो शेड जो है, वो हमने जो भी बनी हुई शेप्स है उसके सराउंडिंग्स में अप्लाई कर दिया है। डैब डैब करते हुए मैंने पूरे पॉट पे येलो शेड को लगा लिया है। इसके बाद अब हम जो इसके ऊपर शेप्स बनी हुई हैं, उनके ऊपर हम पेंट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम ग्रीन शेड का यूज कर रहे हैं। देखिए मैंने हाफ में डार्क ग्रीन और सेव ग्रीन कलर का मिक्सचर यूज किया है, ब्राउन कलर कर लिया है, और इस तरह से रिंग पे भी हमने सेम ब्राउन कलर किया। देखिए ब्रश की सहायता से मैं एक्स्ट्रा ब्रांचेस बना रही हूँ जहाँ जहाँ पे मुझे जरूरत लग रही है। इस तरह से फ्लावर्स पे नियॉन शेड अप्लाई कर लिया है। देखिए इस तरह से सभी नियॉन शेड हमने अप्लाई कर लिया है। आउल पे हम सबसे अलग कलर कर रहे हैं, जो इस पूरी थीम में कहीं भी नहीं है, स्काई ब्लू एंड पर्पल। और अब हम इसके विंग्स पे भी स्काई ब्लू शेड लगा रहे हैं, पर मैं इसके साथ में पर्पल कलर की भी मिक्सिंग कर रही हूँ। देखिए इस तरह से हम पर्पल कलर की मिक्सिंग कर रहे हैं। ईयर वाले पार्ट पे मैंने हल्का सा पर्पल कलर अप्लाई कर दिया। इसी तरह से हम दूसरे आउल को भी कलर कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद की शेड ले सकते हैं, और हम इसके साथ स्काई ब्लू की शेडिंग कर रहे हैं ताकि ये दोनों आउल पेयर लगे। जो इसकी विंग्स वाला पार्ट है उसके ऊपर हम पर्पल कलर लगा रहे हैं। इस तरह से दोस्तों हमने दोनों आउल को कंप्लीट कर लिया है। जो इनर पार्ट है इस पे हम ब्लैक शेड लगा रहे हैं, ब्लैक शेड लगा लिया है। और इसकी बीक वाले पार्ट पे हम एक बीक को हमने ऑरेंज किया है, और एक बीक को हमने थोड़ा सा ब्राउनिश टोन दिया है। और जो हमारे ब्रश में बचा हुआ कलर है, वो हमने इसकी बॉडी वाले पार्ट पे लगा दिया है। और ब्राउन कलर से मैं अब सारी लीव्स के अंदर एक लाइन दे रही हूँ। और अब हम पूरे पॉट पे ऑरेंज कलर के डॉट्स लगा रहे हैं। देखिए इस तरह से मैंने पूरे पॉट पे कहीं दूरी पर ऑरेंज कलर के डॉट्स लगा दिए हैं। अब हम इसे एक रस्सी की सहायता से लटकाएंगे। जो भी आपने भंडारे के ऊपरी हिस्से में छेद देखा था, वहां से हम इसे रस्सी को देखिए इस तरह से पास कर रहे हैं। देखिए रस्सी को पहले हमने पास कर लिया, उसके बाद हमने नीचे की तरफ एक दोनों रस्सियों को पकड़ करके नॉट लगा दिए। नॉट को हमने ऊपर की तरफ खींच लिया। जो भंडारे का छेद वाला हिस्सा है, वहां पे मैं यही वाली गोल्डन डोरी के 2 से 3 राउंड लपेट रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने इसके डोरी को 3 से 4 बार इसके ऊपर लपेट लिया है, ताकि और भी सुंदर दिखे। देखिए इस तरह से हमने इसे लपेट लिया है, और ये सुंदर आर्टिकल आपके सामने बनकर तैयार है।
देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितने कम इन्वेस्टमेंट में हमने कितना खूबसूरत आर्टिकल बनाया है, बर्ड्स के लिए एक ब्यूटीफुल हाउस बनाया है। तो दोस्तों इसे अपने घर पे आप जरूर बनाएं, इसे ट्राई करें और आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आप किस तरह के आर्टिकल्स चाहते हैं जो हम आपके लिए और बनाएं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।